नमस्कार दोस्तों, आपका साथी पीयूष कुमार इक्विटी एजुकेशन चैनल पर आपके साथ एक बार फिर से वार्ता के लिए उपस्थित है। और मैं आज आपके साथ अपने पुराने वीडियो के ही कंटिन्यूएशन में डिस्कशन करूंगा। हमने पुराने जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था रिलीजियस रिवाइवलिज्म, धार्मिक पुनरुत्थान। आज हम डिस्कस करेंगे रिलीजियस रिवाइवलिज्म एवं कम्युनलिज्म, अर्थात सांप्रदायिकता एवं धार्मिक पुनरुत्थान के बीच अंतर। देखिए, अगर हमें धार्मिक पुनरुत्थान एवं सांप्रदायिकता के बीच अंतर को समझना है तो हमें सांप्रदायिकता को भी समझना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने धार्मिक पुनरुत्थान के बारे में समझा था, सांप्रदायिकता के बारे में वर्णन करते हुए विपिन चंद्रा जी ने बताया है कि जो सांप्रदायिकता है या कम्युनलिज्म जो है वो एक प्रकार की मॉडर्न फेनोमेना है, मॉडर्न संकल्पना है। वैसे तो धर्म को ऐसे हितों के तौर पर प्रयोग करने के लिए और राज्य के साथ गठजोड़ करने की परंपरा आदिकाल से रही है। और अगर हम यूरोप में इसको समझने की कोशिश करें तो डार्क एज में धर्म और राज्य के बीच में एक विशेष प्रकार का गठजोड़ था और धर्म ही राज्य को चालित करता था। मैकियावेली भी कहते हैं एक राजा के लिए आदर्श ये है कि वो धर्म को अपने राजनीतिक हितों के प्रयोग करने के लिए एक साधन बनाए, और उसका जो राजा जितना ज्यादा प्रयोग करेगा वो राजा उतना ही महान बनेगा और अपने एम्पायर को उतना ही ज्यादा बढ़ा पाएगा। लेकिन जो सांप्रदायिकता की बात है वो एक धर्म विशेष का मसला नहीं है, ये दो या दो से धर्मों के बीच के आपसी टकराहट का मसला है। कहने का अर्थ है कि जब एक धर्म अपने सेकुलर हितों को दूसरे धर्म की कॉस्ट पर बढ़ाने की कोशिश करे या उसके आधार पर चालित करे तो इसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। अर्थात कि जब किसी एक्स धर्म के व्यक्ति ये माने कि उस धर्म का या उस धर्म के व्यक्तियों के हित वाई धर्म के व्यक्तियों के हितों पर आधारित है, कि जब वाई धर्म के हित बढ़ेंगे तो इनके धर्म घटेंगे और जब इनके धर्म बढ़ेंगे तो वाई धर्म के हित घटेंगे। जब ये सोच किसी राजनीतिक वर्ग के पास पहुंच जाती है तो यही सांप्रदायिकता की भावना है। सामान्यतः सांप्रदायिकता की भावना को राजनीतिक वर्ग अपनी राजनीति की रोटियों को सेकने के लिए समाज में पैदा करते हैं कि जो भी समाज के नौकरी, शिक्षा, संसाधन, अर्थव्यवस्था, किसी धर्म विशेष के लोगों के ये हित किसी दूसरे धर्म की वजह से दुष्प्रभावित या फिर सप्रभावित हो रहे हैं, तो ये जो भावना है यही सांप्रदायिकता कहलाती है। जब नॉन कम्युनल सब्जेक्ट या सेकुलर विषयों को धर्म के आधार पर ड्राइव करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम सेकुलर सोच कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में सांप्रदायिकता को स्वीकार नहीं किया गया है, और हम जानते हैं कि भारत का जो विभाजन हुआ वो अंग्रेजों की जो बांटो छोड़ो की नीति थी, समाज को बांटने की जो नीति थी 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता की नीति को प्रोत्साहित किया और समाज भारतीय समाज में ये भावना प्रसारित की कि जो मुस्लिमों के जो हित हैं वो इसलिए पिछड़े हुए हैं क्योंकि हिंदुओं ने उनके हितों को चुरा लिया है। अब अगर हमें इन दोनों, जब हम सांप्रदायिकता को अब समझ गए हैं तो अब हमें इन दोनों में समझना होगा, दोनों की संकल्पना की परिभाषाओं से ही अंतर समझ में आ जाता है कि जो धार्मिक पुनरुत्थान है वो एक विशेष प्रकार की धार्मिक जड़ता है, कहने का अर्थ धार्मिक रूढ़िवादिता है।
धार्मिक पुनरुत्थान में व्यक्ति अपने धर्म विशेष के प्रति लगाव रखता है, अपने धर्म से अपने निजी जीवन को चालित करता है और अपने डे टू डे लाइफ में धर्म के महत्व को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। वहीं सांप्रदायिकता का मसला एक राजनीतिक मसला है। जब एक राजनीतिक वर्ग नॉन सेकुलर हितों को या नॉन सेकुलर मुद्दों को, राज्य के उन मुद्दों को जिनका के रैशनल और कॉन्स्टिट्यूशन की मॉरालिटी के आधार पर निर्धारण होना चाहिए था, उनका निर्धारण आइडेंटिटी के आधार पर करने की बात करता है, तो उसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। जैसे चुनाव के समय उस प्रत्याशी को वोट देना जो किसी धर्म विशेष का है, धर्म विशेष के आधार पर होने के आधार पर एक वोटर जब अपने प्रतिनिधि को वोट दे न कि ये देखे बगैर, जबकि उसको देखना ये चाहिए कि जो प्रत्याशी है कौन ज्यादा एफिशिएंट है, कौन उसके क्षेत्र विशेष का कल्याण कर सकता है, कौन उसके लोगों के साथ में ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, कौन ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, कौन ज्यादा समस्याओं का निस्तारण करेगा, गिरवांश को दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब व्यक्ति अपने धर्म की आइडेंटिटी के आधार पर करता है तो उसको हम सांप्रदायिक। दूसरा जो धार्मिक पुनरुत्थान है उसको हम मॉडर्न संकल्पना नहीं मानते हैं, वो आज भी है पहले भी रही है। समाज के हर चरण में हम पीछे की ओर गए हैं। कुछ लोग समाज में हमेशा से ऐसे रहते हैं जो व्यवस्था में जो परिवर्तन होता है उसके विरोध की मांग करते हैं। अगर हम वेदों की ओर लौटो की ओर देखें, वेदों की ओर लौटो, यहां पर अगर हम वेदों के एसेंस के बजाय वेदकालीन समाज की ओर लौटने की कोशिश करेंगे तो ये जो विचार होगा ये धार्मिक पुनरुत्थानवादी विचार होगा। ऐसा 1857 में भी था, 1875 में भी था, और अगर हम देखने की कोशिश करें तो हर इतिहास के हर चरण में ऐसा विचार रहा है। लेकिन सांप्रदायिकता एक मॉडर्न संकल्पना है, आधुनिक काल की संकल्पना। तीसरी चीज जो धार्मिक जो सांप्रदायिकता है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, टेररिज्म की वजह से, जब राजनीति एक इंटरलिंक्ड होती जा रही है उस वजह से भी बढ़ती जा रही है। अगर आप ईरान का उदाहरण देखें, इजराइल का उदाहरण देखें और सऊदी अरब का उदाहरण देखें, ये सभी देश सांप्रदायिकता की राजनीति को प्रसारित कर रहे हैं। वहीं चौथा अगर हम इन दोनों के बीच में अंतर देखें तो जो सांप्रदायिक, ये दोनों एक दूसरे को रिइंपोज करते हैं। कहने का अर्थ, कई बार सांप्रदायिकता धार्मिक पुनरुत्थान को बढ़ाती है और कई बार धार्मिक पुनरुत्थान सांप्रदायिकता को बढ़ाता है। इसको अगर हम उदाहरण से समझें, अगर किसी समाज में कोई व्यक्ति धर्म अपने निजी जीवन की समस्याओं का समाधान धर्म के आधार पर करेगा, बाबाओं की ओर जाएगा, किसी धर्म के मौलवियों की ओर जाएगा, पंडों की ओर जाएगा, तो स्वाभाविक ही है कि उस व्यक्ति की जो सोच होगी वो सेकुलर नहीं रह पाएगी, और जब उसकी सोच सेकुलर नहीं रहेगी तो वो नॉन सेकुलर इश्यूज पर जो निर्णय लेगा वो धर्म के आधार पर लेगा, और यही राजनीति के क्षेत्र में जब चीजें बढ़ेगी वही जाके सांप्रदायिकता में परिवर्तित हो जाएगी। वहीं अगर हम देखें कि सांप्रदायिकता किस तरीके से धार्मिक पुनरुत्थान को बढ़ाती है तो हम देखेंगे जिस किसी समाज में सांप्रदायिकवादी विचार बढ़ते जाएंगे, जब धीरे धीरे व्यक्ति एक धर्म विशेष के आधार पर दूसरे धर्म के लोगों को अपना विरोधी मानेगा तो एक समय आएगा कि वो अपने धर्म के प्रति रिजिड भी होता चला जाएगा, और जब वो रिजिड होता चला जाएगा और जब अपनी डेली टू डेली लाइफ में पूरी रिजिडिटी के अनुसार बिहेव करेगा, और एक पॉइंट आएगा कि वो धर्म के लोगों के पास जाएगा, धर्म के बाहर कुछ चीजें सोचेगा ही नहीं और अपने आप को एक धर्म की वस्तु बना देगा, और यही हमारा धार्मिक पुनरुत्थान है। दोस्तों, आज हमने धार्मिक पुनरुत्थान एवं सांप्रदायिकता के विभेद को अपने चैनल इक्विटी एजुकेशन पर देखा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा बताएं, अपने कलीग्स को बताएं, क्योंकि ये जो हमारा प्रयास है ये उन लोगों के लिए है जो लोग क्लास, कास्ट और जेंडर बायसनेस की वजह से आईएएस की तैयारी में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं पा रहे हैं। और मैं ऐसे लोगों से कहूंगा कि आपकी जितनी भी आईएएस की टॉपिक्स हैं
यहाँ पे कंटेम्परेरी से लेके कंटेम्परेरी इश्यूज से लेके जो भी समस्याएं हैं सबका सभी का निस्तारण किया जाएगा और सभी पे वीडियो डाले जाएंगे। आप मुझे अपने कमेंट दें, आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं, इसके लिए आप एक अलार्मिंग बटन भी दबाएं, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरे इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।